गाइस ये देखो, ये देखिए, मैं आपको ले आया हूँ पैंगोंग लेक के सामने। जी हाँ, ये वही पैंगोंग लेक है जिसके बारे में हमने बहुत सुना हुआ है। ये वही पैंगोंग लेक है जहाँ पे थ्री इडियट्स की शूटिंग हुई थी, और यस, उसी शूटिंग के बाद ये लेक मशहूर हो गई, जो काफ़ी सुंदर है। मैंने आज तक ऐसी लेक नहीं देखी, बहुत मज़ा आ रहा है देख के गाइस। वो देख, इसमें आप जहाँ तक नज़र फैलाएंगे तो आपको एक अलग ही अलग तरह के रंग देखने को मिलेंगे। तो मैंने जितना इसके बारे में सुना था, देखने के बाद खुशी दुगनी हो गई है। सो काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो अभी थोड़ी देर यहाँ पे हम लोग इस व्यू का मज़ा लेंगे, थोड़ी देर हम लोग यहाँ पे चिल करेंगे, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, और तब तक आप देखिए छोटे से नज़ारे और यहाँ की वादियाँ। बात बताना चाहता था कि ये जो लेक का अगर आप पानी देखोगे तो ये अलग अलग कलर का दिखता है। तो ये इस वजह से है क्योंकि ये ग्लेशियर्स के अलग अलग कलर्स की वजह से इसका कलर आपको ऐसा देखने को मिलता है। सो आपको इस वजह से आपको ये सुंदर लेक देखने को मिलती है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि ये फौजी भाई को सल्यूट है जिनकी वजह से ये जो 30% जो लेक है ये हमारे एरिया में सीमित है। तो उनकी वजह से ये अच्छी बात है कि हमारे इंडिया का ये पार्ट बनी हुई है। इस चीज़ से मैं बहुत खुश हूँ। सो काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ के, यहाँ पे थोड़ा देर टाइम स्पेंड करके। तो चलिए अब निकलते हैं यहाँ से फटाफट और आगे का सफ़र शुरू करते हैं। आई होप आप लोग को ये जगह पसंद आई हो। तो अगर पसंद आई हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको। चलिए अब निकलते हैं फटाफट और मिलते हैं आगे। तो अभी अलविदा कहेंगे पैंगोंग लेक को, और आज हम बढ़ेंगे अब नेक्स्ट जर्नी के लिए, जो कि है नुब्रा वैली। और यहाँ से हमारा सफ़र मेरे ख्याल से 8 घंटे का रहेगा, बट 8 के बजाय उसको हम 12 घंटा पकड़ के चले तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कल भी ऐसे ही हुआ हमारे साथ। 6 घंटे का गूगल दिखा रहा था, बट हम लोग को 8 घंटा लग गया पहुँचते पहुँचते, क्योंकि बीच में रास्ते का काम भी चालू था, आपने देखा ही। अच्छा टाइम स्पेंड किया यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। मतलब ऐसा फील हुआ कि भाई
इसके जैसी कोई दूसरी जगह नहीं हो सकती, नो डाउट नो डाउट। तो बहुत मज़ा आया, चलिए अब इस सफ़र को शुरू करते हैं मखना के संग, नए सफ़र नया दिन नुब्रा वैली की तरफ। Train hard, fight easy. That's a good quote. इधर हमारे फ्रेंड्स रुके होंगे। यस, एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया था तो उसकी हेल्प के लिए हम लोगों ने उसको हॉस्पिटल में छोड़ा है। सो वो लोग पहले आगे निकल आए और हम लोग अभी यहाँ पे करेंगे नाश्ता। तो ये वो पॉइंट था जहाँ से कल हम आए थे और आज हमें यहाँ जाना है। चलो स्टार्ट करते जर्नी नुब्रा वैली का। ये हमारा आज का नौवा दिन है। सो अभी हम लोग निकल चुके हैं नुब्रा वैली के लिए। आई होप आज हम लोग को अच्छा रास्ता मिले, कल जैसा ना हो, वरना बहुत झटके खाने पड़ेंगे भाई। कल बहुत झटके खाए हम लोगों ने और कल जैसा रास्ता तो मतलब याद रहेगा। बहुत समझ समझ के कल चलाना पड़ रहा था, एक और दो के ऊपर गाड़ी जा ही नहीं रही थी। कल मैं डबल सीट था मेरे इस पे, कल हम तो मेरे साथ पिलियन था तो इसलिए मेरी गाड़ी ज़्यादा पिकअप ले नहीं रही थी। तो ये चीज़ भी मुझे अभी एक्सपीरियंस हुआ कि मेरी गाड़ी का पावर कितना है। आज मैं वापस से एज ए सिंगल राइडर चला रहा हूँ तो आज मेरी गाड़ी चल रही है। तो अब देखते हैं आज कैसा रहता है सफ़र, मजे लीजिए इन नज़ारों का। खतरनाक ऑफ रोड, ये वो बंदा था जिसका एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन अब क्या करें, उसका जो होगा प्लान, जाना है तो जाना है उसको। अरे यार आगे काम चल रहा है। सो बेसिकली हुआ ये था कि आगे बहुत पतला रोड है और उसकी वजह से एक टाइम पे एक ही गाड़ी जा सकती है और 15-20 मिनट तो आराम से गया। सो चलिए निकलते हैं फटाफट और कंटिन्यू करते हैं अपना सफ़र। कैसे गाड़ी जा रही देखा आपने, आधे तो पत्थर के रास्ते पे थी। तगड़ी चढ़ाई है बाबा, गाड़ी वापस एक गियर पे आ गई।
बच गया, फिर से बच गया। आज धीरे ही चलना पड़ेगा, वो तो स्लो हो गई थी इसलिए संभाल लिया। दिख रहा है इतना बड़ा रफ पैच, यहाँ पूरा खराब रास्ता है। तो अभी धीरे धीरे चलेंगे, ऐसा ही कुछ रास्ता सरचू से पहले आया, सरचू के बाद आया था, ज़्यादा कुछ नहीं, 10 किलोमीटर किया होगा हमने। और खतरनाक वाला पैच, रफ पैच मेरा था जिसमें पूरा सैंड था, अगर आपने वो देखा होगा। और ये वाला पूरा टूटा फूटा रास्ता है, कोई भी ब्रेक लगाए तो संभाल के रहने का। पहले गियर पे गाड़ी, गाड़ी धीरे धीरे चढ़ते हुए तो ऊपर की चढ़ाई, और ये धीरे 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 हम ऊपर आ गए, बट अभी पैच खत्म नहीं हुआ है। पूरा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है पानी वाला रास्ता है, बट अभी सूखा पड़ा है, पैच खत्म होने को आया। ब्रेक लिया ये स्पॉट पे, थोड़ा फोटो खिंचाया, थोड़ा कमर को बम्प को सीधा किया। ये काफ़ी कंटिन्यूस चल रहा है, यहाँ पे बीच में कुछ है भी नहीं जहाँ हम रुक सकें। सो अभी ये है कि यहाँ से नुब्रा कुछ पता नहीं है, अभी बस चलते जा रहे हैं। अब खासार या कुछ तो भी एक और आगाम जगह है, वहाँ पहुँचेंगे तब पता चलेगा कितना किलोमीटर है आगे नुब्रा वैली। सो, निकलते हैं फटाफट। अभी तक आपने देखा होगा पूरा रास्ता ऐसा ही है, लगभग चारों तरफ पत्थर पहाड़ पत्थर पहाड़। तो देखते हैं ये और कितना लंबा पैच रहता है। अभी मेरे ख्याल से 236 यानी 50 किलोमीटर के आसपास हमने पैच किया होगा, और अभी तक ऐसा ही है। देखते हैं और आगे कितना लंबा रहता है, तो बने रहिए, दिखाता रहूँगा आपको आगे का ये जर्नी। जबरदस्त। और यहाँ देखिए, अभी बंजर था और यहाँ इतने खूबसूरत पेड़, वाह भाई वाह, मतलब ये सूखे हुए वो लंबे लंबे पेड़ देखिए। अच्छा, आगाम आ गए हम लोग, आगाम पहुंच गए हैं। इसके लिए ये शायद क्या है, हाँ छोटा सा कस्बा टाइप है, इसीलिए यहाँ पे हरियाली है, नज़ारा ही बदल गया एकदम। ले नुब्रा वैली इस साइड, खालसा। ये रही अपने पंटर लोग, वेट कर रहे। सो, बाकी लोग अपने हैं, वेट कर रहे। अब 5 मिनट का और ब्रेक लेंगे, फटाफट निकलेंगे यहाँ से। कितने देर हो गए तुम लोगों को पहुँच के? फिर ठीक है, मुझे लगा आधा घंटा हो गया तुम लोगों को पहुँच के। सो, हम लोग ये जो आजाम में पहुँचे हैं,
यहाँ से नुब्रा वैली चालू हो जाता है, तो तभी आप ये हरियाली देख रहे हो और यहाँ का एक अलग ही वातावरण देख रहे हो। तो यहाँ से अभी हमें जाना है हुंडन। हुंडन यहाँ से कम 1 घंटे का और रास्ता है, और आई गेस हमें हुंडन में ही स्टे करना है। सो देखते हैं, आगे पहुँचते हैं फटाफट। कभी कभी देख के लगता है वाटर क्रॉसिंग बहुत इजी है, बट जब आगे वाले को आप देख लो तब पता चलता है अरे नहीं 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 ये रास्ता सही नहीं है, थोड़ा साइड से या दूसरा रास्ता पकड़ के। सो हमेशा जैसे कि मैंने पहले भी बताया, आगे वाले को जाने दो, देखने दो, पहले पहले देख लो वो सही जा रहा है कि नहीं। ये देखिए ये पत्थर, ये रेत बहुत डेंजरस है बाबा बाबा, यहाँ पे पूरा पहाड़ी ऐसा है, तो क्या करेंगे। खालसार 11 किलोमीटर। कहाँ से आ रहा है ये पानी भाई, इधर तो बर्फ भी नहीं दिख रही है। देखते हैं। अरे बोर्ड देखा क्या तुम लोगों ने, किधर जाना है? ये दो रास्ते जा रहे हैं ना, तो वो देखना पड़ेगा अपना ये रास्ता है कि वो सीधा है। यही रास्ता है, इससे जाना है खालसार होते हुए। खालसार यहाँ से 3 किलोमीटर है। खालसार में इधर राफ्टिंग भी होती है, इधर काफ़ी अच्छा बना रखा है सेटअप, ये देखिए। तो अगर आपको कभी भी आना है खालसा राफ्टिंग करनी है यहाँ पे नुब्रा से आने से पहले, तो यहाँ खालसार में यहाँ पे कैंपिंग भी है, आप देख सकते हैं टेंट वेंट लगे हुए पूरे, तो आप कैंपिंग कर सकते हैं, रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा है खालसार। अभी हम लोग जाएंगे नुब्रा वैली और देखते हैं वहाँ पर क्या सीन है, वहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा, ये मैं आपको वहाँ पहुँच के बताऊँगा। ये देखो भाई डेजर्ट व्यू। गाइस फाइनली हम लोग पहुँच गए नुब्रा वैली, जैसे कि आप देख सकते हैं चारों तरफ हरियाली हरियाली है। ये हम मुंदर में आए थे और ये एक सैंड डेजर्ट है, उसके बीच हमने थोड़ा मस्ती किया, रिलैक्स किया, फोटोग्राफी किया, वीडियोस बनाए। यहाँ सैंड पे आप अपनी अपनी रिस्क पे अपनी गाड़ी भी चला सकते हो, यहाँ पे गो कार्टिंग भी शायद से होता है यहाँ, नहीं तो दूसरा एरिया है तो वहाँ पे। तो चलो यहाँ हो गई मस्ती, टाइम हो गया, निकलते फटाफट। अब अपना अगला डेस्टिनेशन है तुरतुक, तो जल्दी से वहाँ पहुँचते और आपको अंधेरा होने से पहले
जितना सफर हो सकता है दिखाता हूँ आज का। तो यहाँ से हम सीधा जा रहे थे, बट ये राइट टर्न में ही तुर्तुर्क 77, तो यहाँ राइट टर्न में भी पड़ता है। कल हमें रिटर्न इसी रास्ते से जाना है वापस ले के लिए, तो आज हम लोग तुर्तुक पहुँचेंगे, फिर देखते हैं कल का क्या प्लान है। अभी थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा लगने लगी है, शाम का टाइम हो गया है तो मौसम थोड़ा बदल गया है। गुरु 4 किलोमीटर सही भी जा रहे कि नहीं, अब चालुंका ही पहुंच के पता चलेगा। और इधर देखना कितने, मतलब गाड़ी यही नहीं है। ओह ओह, तो राइट है, चलो दिख गया तुर्तुक। ओ भाई साहब, भाई भाई ऐसा गांव रहेगा कि वहां लाइट भी ना हो तो और लग गए। ये मतलब तब का लग रहा है जब फ्रीडम का होता था ना, तब के टाइम का वैसा। हाँ, या फिर ऐसे कुछ बेस, वही 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 उनका ही कोई बेस होगा। भाई साहब, ओहो गजब, बहुत ही गजब। अरे बाप रे, डायरेक्ट ऊपर पहाड़ और नीचे रास्ता, गजब। भाई इधर तो रास्ता भी गायब है। ओहो चल मेरी मखना, धीरे धीरे ले चल। सही में गांव जा रहे हैं। निकल गए। हाँ आगे बढ़ो। चलो भैया वापस से पक्का रास्ता, जान में जान आई। बताओ डेजर्ट रेस्टोरेंट, सही है भाई, ऐसी जगह में एटलीस्ट किसी को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। ओ गजब, सो गाइज हम लोग तुर्तुक पहुंचने वाले थे कि 5 किलोमीटर पहले हमारे साथ एक छोटा सा इंसिडेंस हो गया। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, मेरा दोस्त आशीष सैनी उसकी बाइक पंचर हो गई और उस चक्कर में हम लोग की अच्छी खासी भागा दौड़ी हो गई। सो हमने तुर्तुक पहुंच के किसी तरह एक फिटर को ढूंढा और फिर हमने वो दुकान खोल के वहाँ पर पंचर बनवाया। और फिर हम लोग को काफ़ी लेट हो गया था, 11:30 बज गए थे रात के, इसलिए हमारे सारे मोबाइल्स की और लगभग कैमरेज की बैटरी डाउन हो गई थी, इसलिए उसके आगे का रिकॉर्डिंग कुछ हो नहीं पाया। सो आई होप आप लोग को ये आज का जर्नी पसंद आया होगा। अगर ये जर्नी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अपने लोगों को दिखाइए कि कितनी सुंदर सुंदर जगह पे आप जा सकते हैं। और ये जर्नी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलता हूँ कल सुबह नए दिन नई शुरुआत के साथ, मखना के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए पीस आउट।